नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मेरा जबी। एसपी अपर्णा गुप्ता द्वारा थाना नजीबाबाद जीआरपी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, थाना परिसर, भवन मैस, आरक्षी बैरक, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना और दस्तावेज को चेक किया गया और आगामी त्योहारों, कांवड़ यात्रा व अपराधियों के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी अपर्णा गुप्ता जी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित और महिलाओं के लिए एकदम सावधानीपूर्वक बनाना होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान नजीबाबाद सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि सभी कांवड़ यात्री नजीबाबाद से होते हुए हरिद्वार को जाते हैं। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपर्णा गुप्ता ने मुरादाबाद जीआरपी में हुई मीटिंग में दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रियों का ध्यान उनकी सुख सुविधा, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो और महिला यात्रियों के साथ कोई छेड़छाड़ या परेशानी ना हो, इस तरह की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए। नजीबाबाद माल गोदाम पर भी उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि माल गोदाम की सुरक्षा को लेकर थाना अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बैन और अनबैन रास्तों का निरीक्षण करें और सूची बनाकर अनबैन रास्तों पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाएं। हमारी जो पूरी गाड़ी है सर, थोड़ी सस्ती गाड़ी है। मेरे द्वारा थाना नजीबाबाद जीआरपी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरे द्वारा निरीक्षण अभी किया जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं, काफ़ी और देखनी बची हुई हैं। ओवरऑल स्थिति ठीक है। जो एक अच्छी पहल हमारे जीआरपी थानाध्यक्ष ने की है वो ये है कि जो इनका हमारे यहाँ पे एस्कॉर्ट ड्यूटी बहुत ज़रूरी ड्यूटी होती है, प्लेटफॉर्म ड्यूटी बहुत ज़रूरी ड्यूटी होती है और मुख्यालयों से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका कई बार देखा गया है कि थाने पर उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जाता है और वो धीरे धीरे कंडम हो जाता है। किंतु हमारे थानाध्यक्ष ने और उनके सीईओ ने मिलकर अच्छी पहल करते हुए, उनके एचएम ने मिलकर बहुत सारे ऐसे उपकरणों को ठीक कराया है, ये एक अच्छी बात है। साफ सफाई की स्थिति अच्छी है और दस्तावेज मैं अभी देख रही हूँ वो भी ठीक लग रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर अर्धवार्षिक निरीक्षण आज किया जा रहा है। बात काफ़ी सेंसिटिव रहता है क्योंकि हरिद्वार के साथ हो जाने वाली जो यात्री हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। इसके बारे में मेरे द्वारा कल जीआरपी लाइंस मुरादाबाद में एक बृहद मीटिंग की गई थी जिसमें अनेक दिशा निर्देश दिए गए थे। यात्रियों को का पूरा ध्यान रखना, उनकी सुख सुविधा, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका ध्यान रखना और महिला यात्रियों के साथ कोई परेशानी की बात ना हो इसका ध्यान देना। प्लेटफॉर्म ड्यूटीज़ अच्छी लगे हमारे को, ओवर ब्रिजेस जो हैं उसके ऊपर ओवर क्राउडिंग ना हो, लास्ट मिनट अनाउंसमेंट्स यदि हो तो उनको हैंडल करना, कोई सेंसिटिव ट्रेन्स चल रही हो तो उनको हैंडल करना और यात्रियों के अन्य सुविधाओं का ध्यान देना, सभी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से हम कराएंगे इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बहन जी, हमारे यहाँ आधा किलोमीटर दूर पर माल गोदाम फटक है, वहाँ पर कांवड़ से निकलते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं गाड़ियों से, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, इसमें जो माल गोदाम एरिया है वहाँ पर एक तो आरपीएफ की भी मदद ली जाएगी क्योंकि अधिकतर उनका जो माल उतरता है सभी व्यापारियों का, उसमें आरपीएफ का भी सहयोग हमें पूरा मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। विशेष ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, जहाँ कहीं भी अनमैन्ड सिंग्स हैं मेरे द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। सारे थानाध्यक्ष एक सूची बनाएंगे कि कौन सी अनमैन्ड और कौन सी मैंड क्रॉसिंग्स हैं। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद जहाँ कहीं भी इस तरह की अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी लगाते हुए कांवड़ियों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।